Good morning, students. This is the special lecture for class 10th English subject English का. ये special lecture है, इसमें आप लोगों के exam के basis पे कुछ चीज़ें बताई जाएंगी. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जितने chapters हैं थे पहले, उनमें से कुछ कट कर दिए गए हैं. जैसे prose में पांचवा और छठा chapter जो था torch bearers और our Indian music stories and anecdotes, ये काट दिया गया है. पोइट्री में चौथी पोइट्री द नेशन बिल्डर्स, इसको कट कर दिया गया है. और सप्लीमेंट्री का थर्ड चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, इसको कट कर दिया गया है. बाकी जितने चैप्टर्स हैं वो आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है. और जितने चैप्टर्स हैं, चाहे प्रोज का हो, चाहे पोइट्री का हो, चाहे सप्लीमेंट्री का, इसके सब के राइटर्स के नाम आप लोगों को लर्न होने चाहिए. आप लोगों के एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन होगा या फिर जो पैसेज आएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन नहीं होता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन. कि पैसेज दिया रहेगा आप लोगों को, उसके कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन उसी में का यही रहता है कि उस चैप्टर का नाम लिखना रहता है और उसके राइटर का नाम लिखना रहता है. तो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के बेसिस पे कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जितने चैप्टर्स हैं उनके नाम और उनके राइटर्स नेम लर्न कर लेने हैं. और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो जो तो वीडियो मैंने डाले हैं अपने स्कूल से, जो आप लोगों ने अपने स्कूल के जो वीडियो आप लोग देखते हैं, उसमें सारे चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं. द एंचेंटेड पूल, द लेटर टू गॉड, द गंगा, सॉक्रेटिस, सारे चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए जा चुके हैं. जितने कैरेक्टर स्केच मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, जितने क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं, सारे लर्न करिए, एक कॉपी में बनाइए उसको. उसके बाद लर्न करके ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान रखिए, इससे आप लोगों को काफ़ी नंबर गेन होगा, काफ़ी नंबर आप लोग पाएंगे. उसी तरह से पोइट्री में है, पोइट्री में कम से कम दो पोएम आप लोगों को याद होनी चाहिए, कम से कम दो पोएम. और राइटर्स के नेम, ये सारे जितने चैप्टर हैं सब के राइटर नेम और चैप्टर नेम आप लोगों को एकदम अच्छे से लर्न होने चाहिए. और चैप्टर पढ़ के आप लोगों को स्टोरी समझ लेना चाहिए और अच्छे से उसको जानना चाहिए. जानने के बाद ही आप लोग समझ पाएंगे जब एग्ज़ाम में आएगा कोई भी पैसेज कि ये किस चैप्टर का है. तो पोइट्री में आप लोग पोएम कम से कम दो याद करिएगा, उसके राइटर नेम याद करिएगा. सप्लीमेंट्री का केवल थर्ड चैप्टर हटाया गया है, तो इसमें दो चैप्टर, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, इसके राइटर जो है थॉमस एल्वा एडिसन, और द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसके राइटर हैं सिस्टर निवेदिता. इन सबको आप अच्छे से पढ़िए और तैयार करिए. जितना कैरेक्टर स्केच वगैरह लिखवाया गया है, क्वेश्चन आंसर लिखवाए गए हैं, सबको आप लोग अच्छे से लर्न करिए और इनसे आप लोगों को काफ़ी नंबर गेन होगा. और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है, उसको आप लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्टोरी याद होगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे. कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से अगर आता है और आप लोगों को इंग्लिश जो इसका एक्सप्लेन मैंने किया है, उसकी स्टोरी जो मैंने बताई वो आपको याद है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू ग्रामर आप लोग उसका आंसर लिख पाएंगे. तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकिए उतने ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा. और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे 8576879375 पर पूछिएगा. थैंक यू.